कुछ भी नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। खैरियत, आज आप सुबह सुबह जाग गई? हाँ, मुझे सुबह सवेरे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। खास तौर पे सुबह सुबह मौसम अच्छा हो तो। सही बात है। खूबसूरत मौसम सबको ही अच्छा लगता है। वैसे भी खूबसूरती सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जी। आज सुबह से दिल बहुत घबरा रहा था, अजीब सा बोझ था। बुशरा भी बहुत याद आ रही थी। मैंने हसन से कहा कि मुझे बुशरा से मिलवाने ले चलो। बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। अच्छा, तुम्हारी उमेर से भी मुलाकात हो जाएगी, कल वो जा रहा है। अच्छा, उमेर कहाँ जा रहा है? वो तुम्हारे भाई साहब उसे कुछ दिनों के लिए लंदन भेज रहे हैं किसी काम से। अच्छा। और हसन बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? जी मौलानी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक चल रहा है। अब बुशरा, जाओ भाई, अपनी अम्मी के लिए कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करवाओ। माशाल्लाह, बुशरा के आ जाने से हमारे घर में तो इतनी रौनक हो गई है। बात है, आज तो किचन में काम कर रही हो। बहुत जल्दी तब्दीली आ गई है, नहीं? वैसे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। नो थैंक्स, आज स्पेशल गेस्ट आने वाले, मैं किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। हाँ, और वैसे भी ये सब बच्चों का खेल नहीं है, है ना? वैसे लड़का बुरा नहीं है, ठीक है, सो सो। अरे, आप इतनी कंजूसी से की तारीफ कर रही है। कंजूसी नहीं, जैसा है वैसा बता रही हूँ। हुस्न देखने वाले की नजर ही होना चाहिए। यहाँ यकीनन मेरे बारे में बात हो रही है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि यहाँ पे तुम्हारी बातें हो रही है? शकल देखिए अपनी, ऐसा लगता है पागल छुट्टियों पर आया हो। बंदा कहीं जाता है तैयार होके जाता है, ऐसे थोड़ी उठ के चला जाता है। किसके लिए तैयार होकर आऊं? मुझे यहाँ जिसके लिए आना है उसे पसंद हो, और ये काफी है मेरे लिए। बस ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, जाओ, पापा आ जाएंगे। तो बाबा यहाँ किचन में भी आते हैं? बाबा मजाक कर रही थी, अब यही रहना, हिलने की जरूरत नहीं है। वैसे घर में कुछ ज्यादा नहीं है किचन में। नहीं नहीं, बाबा आने वाले। नहीं, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा घर में। क्यों? बल्कि मैं यहाँ पे चेयर मंगवा लेती ना, यहाँ आराम से। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। बाय। डरपो। बस भाभी घर में सारा दिन अकेली रहती हूँ। पहले तो बुशरा थी तो दिल लगा रहता था, बस अब आप रिदा की शादी कर दीजिए जल्दी से। हाँ, उमेर वापस आ जाए तो हम रिदा की शादी कर देंगे, यही काम करना है अब।
बस जुबैर के लिए लड़की देख लें, फिर दोनों बहन भाइयों की साथ ही शादी कर देंगे। जुबैर के लिए कोई लड़की पसंद की? वैसे बहुत अजीब से नेचर का है, अगर लड़की पसंद नहीं आई तो हो सकता है वक्त पे धोखा दे दे। अरे नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं करेगा वो। वैसे भाभी वो तुम अपने ही थे, अगर कोई और होता ना तो ना जाने क्या करता। जरा भी भाईजान की इज्जत का एहसास नहीं किया उसने। क्या कर सकते हैं, आजकल के बच्चे समझते ही नहीं हैं, बस उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है बाकी गलत। खैर मैं भी देखूंगी उसके लिए कोई लड़की, आप फिक्र मत करें। अरे नहीं, एक लड़की है मेरे जहन में, मुझे उम्मीद है कि वो पसंद आएगी जुबैर को। अरे खालदा तुमने कुछ लिया ही नहीं, कुछ लो तो सही। मैं लेती हूँ अम्मी, बाकी सब तो ठीक है, मगर मुझसे ये लड़की बर्दाश्त नहीं होती। जब भी उमैर और मेरे दरमियान लड़ाई हुई है इसी की वजह से हुई। तुम क्यों चिढ़ती हो उस लड़की से? वैसे भी तुम्हारा क्या रिश्ता है उसे, और तुमने इस बात का एहसास उमैर को तो नहीं दिलाया कि तुम उससे चिढ़ती हो? हाँ कहा मैंने उनसे कि मुझे नहीं पसंद आपका इससे बात करना। क्या कहा उसने फिर? कहना क्या था, समझाने लग गए, और फिर पता नहीं क्यों उनका मूड खराब हो जाता है। देखो बुशरा, ऐसी बातें नहीं किया करो जिससे मर्द को चिढ़ हो। कोशिश करो उसे खुश रखने की, घर बनाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हंसने को दिल चाहे या ना चाहे उसके सामने हंसती रहा करो। ये कैसे होता है कि दिल चाहे ना चाहे हंसते रहो, खुद मुश्किल में हो और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो? मुझसे नहीं होता, मैं उसको देखती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। कौन सा उस लड़की ने सारी उम्र इस घर में रहना है? भाभी बता रही थी कि उसकी शादी कर देंगे, मुझे तो बहुत तरस आता है उसके ऊपर। अब आपको भी तरस आने लगा? यतीम है बेचारी ना, उसके आगे पीछे कोई है, आ लग जाती है ऐसे लोगों की। चलाए भी वो मुझे, सुकून भी मेरा बर्बाद करे, और आप भी मुझे उसी की लगेगी, ये ठीक है? अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। देखो बुचरा, कोशिश करो कि उमैर को खुश रखो, उसके दिल में जगह बनाओ, अपनी सास के दिल में जगह बनाओ। वैसे भी कुछ अरसे बाद तुम्हारी गोद भर जाएगी तो ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे। अच्छा नामी मैं समझ गई, ठीक है। आप मुझे मुसलसल एहसास दिला रहे हैं कि मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरी तो छोड़े मेरे घर वालों की भी कोई अहमियत नहीं। तुम्हारे घर वाले मेरे भी कुछ लगते हैं, मेरी फूफो हैं वो, मजबूरी की वजह से देर होगी मुझे। जहां मेरे लिए कुछ करना हो ना आपकी मजबूरी आ जाती है। कल रात 12 बजे तक आप बाहर घूमते रहे, उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? और मैं तुम्हें वैसे भी बता चुका हूँ कि कल रात मुझे देर क्यों हुई थी, बार बार क्यों दोहरा रही हो? मैं भूलना चाहती हूँ मैं, मगर मुझे लगता है आप चाहते ही नहीं कि मैं भूल जाऊं। मैंने आपको कॉल करके बताया था कि अम्मी आई हुई है, जल्दी आ जाएगा, मगर आप देख ले आप इस वक्त आ रहे हैं जब वो जा चुके हो, और जब उसको लेने जाना था। तुम समझने की कोशिश करो, मैं कल भी इसी वजह से लेट हुआ था कि ऑफिस में काम बहुत था, तुम ये बात नहीं समझ रही हो। सॉरी। अच्छा ना, आई एम सॉरी। थोड़ा मुंह ठीक करो। चले जाओ उमैर, वरना वो तुम्हें फिर से देख लेगी। और मुझे तो लगता ही है कि तुम चाहते हो कि वो बार बार तुमसे रूठे और तुम उसे मनाने के लिए जाओ, नहीं? देखा है मैंने किस तरह जान निकलती है तुम्हारी, मेरे सामने रोते हो और मेरी गैर मौजूदगी में अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि ऐसा ही है। तो मर्दों का कोई भरोसा नहीं, इतना सस्ता सौदा मत करो। तुम जानती हो मैं किस मजबूरी के तहत उसके साथ हूँ। हाँ तो मजबूरन जितना हो सकता है मैं भी बर्दाश्त कर रही हूँ ना, लेकिन मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा उसके साथ रोमांस करना। यार कौन कमबख्त उसके साथ रोमांस करता है, उसको रिलैक्स रखना पड़ता है वरना वो दिमाग खाती है मेरा, और मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी सुकून चाहिए। अच्छा ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है,
कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? 12। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में उसके करीब मत जाना। ऐसा कुछ नहीं होगा। मजबूरन भी नहीं। मजबूरन भी नहीं होगा। क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल क्यों बनी हुई है? कुछ नहीं। कुछ ही दिनों की तो बात है, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा बस जल्दी से काम खत्म करके वापस आ जाएगा। अच्छा ठीक है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। अरे भाई फ्लाइट का टाइम करीब है, मैं अब तक आया नहीं। लगता है बुशरा से इजाजत नहीं मिल रही हूँ मैं। देर हो रही है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। उमेर, I'm sorry। किस लिए? वो मैं आपसे हर वक्त गेले करती रहती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता आपका किसी और से बात करना, किसी के साथ वक्त गुजारना। तुम्हारे होते हुए किसी और की क्या जरूरत है मुझे? बस फिर वादा करें आइंदा मौका नहीं देंगे। आप आ गए शायद। ख्याल रखना और देखो नाश्ता जरूर कर लिया करना, तुम्हारी आदत नहीं है ना नाश्ता करने की। भाई मेरे लिए बहुत सही चॉकलेट्स लाएगा। Okay. फरमाइश शुरू। और किसी की कोई फरमाइश? अरे कोई फरमाइश नहीं, बस तुम खैरियत से आ जाओ। हाँ बेटा बस खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ। ख्याल अल्लाह हाफिज़। अरे बैठ जाओ भाई, आ जाएंगी तुम्हारी चॉकलेट्स। सिद्रा जरा अच्छी सी कॉफी तो पिलाओ। उमेर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही फरमाबरदार, हमेशा अपने बाबा का साथ दिया है उसने, कभी मायूस नहीं किया हमें। बस बस उमेर भाई जब से गए उमेर ये उमेर वो, उमेर भाई तो आपके फेवरेट ही हो चुके, और इससे पहले जब जुबैर भाई गए थे तो जुबैर ये जुबैर वो। चली जाऊंगी मैं भी एक दिन। अरे बेटा तुम्हारी जगह थोड़ी कोई ले सकता है, तुम्हारा किसी से क्या मुकाबला। वैसे हम और इंतज़ार नहीं करेंगे, उमेर के आते ही शादी की तैयारियाँ शुरू। ऐसे तो ना कहो, मेरे दिल को कुछ होने लगता है। वैसे तो सभी बेटियों को जाना होता है एक दिन, मगर दिल में हॉल उठते हैं सोच के। मम्मी उदास ना हो, अभी तो आपके साथ ही हूँ। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, कभी कभार तुम औरतों की तरह बिहेव करते हो, पूरी औरत है तुम्हारे अंदर।
हर मर्द के अंदर एक औरत होती है जिसे वो अपने सामने देखना चाहता है। एक औरत, राइट? एक औरत। लेकिन तुम तो दो दो औरतों को सामने देखना चाहते हो। तुम तो ये इल्जाम ना दो मुझे। मुझे क्यों बता रहे हो, मैं क्या करूं? मुझे बात करनी है तुमसे, मैं कुछ नहीं जानती, मैं फोन नहीं रखूंगी। मेरा फोन वेटिंग पे आ रहा है, सवाल करेगी फिर? हाँ, तुम तो जवाब देने में माहिर हो, वहां महारत नहीं चलती तुम्हारी। माहिर होता तो नौबत यहां तक ना पहुंचती। कुछ भी हो, मैं फोन नहीं काटूंगी, मुझसे बात करो और बस। ठीक है, फिर जो भी होगा तुम ही फेस करना पड़ेगा वहां पर, मैं तो काफी दूर हूँ। हाँ हाँ, तुम तो दूर जाके रिलैक्स कर रहे हो, मैं भी दूर चली जाऊंगी। अगर दूर जाने से सुकून मिलता है तो मुझे जाना चाहिए। अच्छा, शौक से जाओ। चली भी जाऊंगी। मैं जानता हूँ तुम कहीं भी चली जाओ, लेकिन मेरे बगैर रह नहीं पाओगी। मुझे ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने सुना था कि मोहब्बत इंसान को बहादुर बना देती है, लेकिन मुझे तो कमज़ोर कर गई है मोहब्बत। नहीं पाकीज़ा, कमज़ोर नहीं, इसी मोहब्बत की बदौलत तो आज तक हम साथ हैं, वरना सब कुछ बिखर चुका होता। सब बिखर चुका हूँ मैं, हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये मजबूरी है हमारी। ये मजबूरी नहीं है पाकिस्तान, ये हमारी मोहब्बत की आजमाइश है। पहले मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत थी, अब तुम्हारी मोहब्बत से मोहब्बत हो गई है मुझे। मैं अगर अपना सब कुछ भी कुर्बान कर दूं ना, तब भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मोहब्बत की कीमत नहीं अदा कर सकता। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कॉल नहीं कट करूंगी। ठीक है। हाँ उमेर, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आपके पास वक्त ही नहीं गुजर रहा। अच्छा, आप भी मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, तो मुझे तो आपके बगैर मजा ही नहीं आ रहा। अच्छा बाबा, मान लिया बहुत मिस कर रहे हैं, एक बात तो बताएं, काम भी करना है या मुझसे बातें ही करनी है? आई नो, मुझसे ज्यादा मिस नहीं कर सकते आप। और क्या पसंद है? मुझे पता है मैं आपको बहुत पसंद हूँ। तो फिर जल्दी आ जाए ना। हाँ। अच्छा, और नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। हेलो, हाय राम, तू नैरा? जी आ रही हूँ, एक मिनट।
जी बुला रहे थे। ये शहजाद का है? शहजाद जरा देर से गया है, कह के गया है देर से आएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है अब उसके लिए भी रिश्ता ढूंढ लो, शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। मैंने तो आपसे पहले कहा था, लेकिन आपने कहा पहले रमशा की शादी हो जाए। हाँ ये बात भी सही है तुम्हारी, जो कुछ कर रहा है जल्दी कर लो, इस फर्ज से भी हम सुख दोष हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं तो कहती थी, लेकिन आप ही ने कहा कि बच्चियाँ पढ़ लिख लें फिर शादी करेंगी। तो गलत किया कहा था मैंने? तालीम की अहमियत उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा होती है जो हम बेटी को जहेज में देते हैं। तालीम ता हयात बेटी के साथ रहती है, फिर ससुराल जाकर शौहर की नज़रों में बेटी की कदर बढ़ जाती है। कदर की तो बात ही ना करें, बड़े ही ना कदरे लोग हैं, आपको क्या पता। शादी से पहले जो कहते फिरते हैं ना कि हमारी बहू बड़ी पढ़ी लिखी है, बाद में इसी बात को ताना बना देते, कहते हैं कि भाई बड़ी लिखी है इसलिए बड़ी इतराती है। मैंने तो किसी को फायदा होता हो या ना हो ये बात तय है कि तालीम याफ्ता माँ नस्लें संवार देती। खैर रहने दें इस बात को, बिलावजह बात लंबी हो जाएगी। चाय पियेंगे आप? आप ही लेने। तबीयत भी ठीक लग रही है आपकी। हाँ मैं लाती हूँ चाय। जाओ। ये आपके लिए है। खूबसूरत मौसम सबको ही अच्छा लगता है, वैसे भी खूबसूरती सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जुनैरा बहन, बेटा अम्मी घर पे हैं? नहीं अम्मी बाजार गई हैं। और कुछ? नहीं कुछ नहीं बेटा। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, वापसी पे आ जाऊंगी। ऐसा क्यों कहा आपने? जानती नहीं हो रिश्ता कराने वाली है, भाई का तो रिश्ता होता नहीं, मेरे पीछे पड़ी रहती है। ले आऊंगी कोई नया कार्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, अम्मी घर पे हैं? जी हैं, आप आए ना अंदर। आओ। आओ पाकीज़ा, तुम आराम से बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अच्छा सारी बातें आराम से बैठकर करते हैं, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं भी आती हूँ। देखो ये सेट, ये कैसा लगा?
बहुत प्यारा है भाई। मैं तो अपनी बेटी की शादी ना बहुत धूमधाम से और ये दिखाए, ये देखो इसमें टीका भी है। अच्छा देखिए बहुत प्यारा है इसका सूट है। ये कितना, ये लो शर्मा गई। ये देखिए जो आप सोच रही है ना मैडम, उन सब चीजों का वक्त गुजर चुका है। जो हो रहा है उस बारे में सोचो। औलाद जो है वो माँ बाप का गुरूर होती है, सब कुछ चाहे तो आबाद रखो चाहे तो बर्बाद करो। ये रही गर्मा गर्म कॉफी। अरे तुम रो रही हो? देखो इस तरह रो के तुम खुद को अजियत दे रही हो। अजियत तो मैं खुद बन गई हूँ अपने लिए, जाहिर हो जाता है कभी कभार। कब से ये सब मेरे अंदर चलता आ रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। मेरे और मेरे घर वालों के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो तुम कर रही हो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कह रही, है सब खुद हो रहा है, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तुम क्या कहना चाह रही हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरे काम करोगे? हाँ बोलो। मेरे घर फोन करो, मुझे अब्बा की आवाज सुननी है, उनकी खैरियत मालूम करनी है, फोन करके पूछो। अच्छा ठीक है मैं कॉल करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अब कभी नहीं रोगे, वादा करो। रोना कौन चाहता है, ये तो आंसू है जो खुद ब खुद बहने लगते हैं। तुम नहीं समझोगी। देखो पाकिजा मैं कुछ समझना नहीं चाहती, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आंसू पोछो। अब्बा कैसा रहा आज का दिन? ठीक रहा बेटा, कुछ तबीयत जरा ठीक नहीं रही। गर्मी भी है ना? हाँ गर्मी बहुत। तुम्हारी माँ कहाँ है? अम्मी वो किचन में है, कुछ काम कर रही हैं। अच्छा, अच्छा आपके लिए खाना लाऊं? नहीं बेटा अलबत्ता चाय पिलवा दो। अच्छा मैं बोलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं इरम बात कर रही हूँ, पाकिजा की दोस्त। पाकिजा यहाँ नहीं रहती। अंकल रमशा होगी घर पे? हेलो हेलो जी इरम, मैं रमशा बात कर रही हूँ, मुझे पूछना था पाकिजा आपके साथ है? नहीं नहीं पाकिजा मेरे साथ नहीं है। तुम ये बताओ घर पे सब खैरियत है ना? घर में सब। किसका फोन है? वो अम्मी इरम है पाकिजा की फ्रेंड। पर
पाकिजा की कोई खैर खबर? नहीं, कुछ खास नहीं, वही पूछ रही हूँ। हेलो, हेलो इरम, और बताओ रमशा तुम्हारी स्टडीज कैसे जा रही हैं? पता नहीं कहाँ शादी कर रहे होंगे रमशा की, मेरे बारे में क्या बताया पाऊंगे। हमने उनसे कहा है कि रमशा हमारी इकलौती औलाद है, अजीज रिश्तेदार आएंगे तो फिर वही अजीब और गरीब बातें शुरू हो जाएंगी। कमबख्त, कैसी धूल डाल के गई है हमारे सर पे, पता नहीं खुद कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अम्मी, अब्बा, भाई रमशा, क्या ये सब याद करते होंगे मुझे? क्या ज़रूरत है उसको याद करने की, है? क्या ज़रूरत है? और रही बात ख़ानदान वालों की, तो उनको भी बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब वो हमें अपनी खुशियों में नहीं बुलाते ना, तो हमें भी छोटा बनकर अपनी खुशियों में उन्हें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, करते ही होंगे, आखिर बेटी हूँ मैं उनकी। औलाद जो है वो माँ बाप का गुरूर होती, मान होती, सब कुछ होती। चाहे तो आबाद रखो, चाहे तो बर्बाद करो। लेकिन क्या पाकिजा तुम इस काबिल हो कि तुम अपने वालदैन को वालदैन कह सको? नहीं, तुम सिर्फ उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस हो। बेटा, रिश्ते इस तरह तो नहीं टूट जाते ना। और फिर तुम्हारी एक इकलौती फुप्पो है, उसे भी ना बुलाए। कौन सी फुप्पो अम्मी, है? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि आखिरी दफा फुप्पो साहिबा हमारे घर में कब आई थी। जब से उनके पास पैसा आ गया ना, उन्हें लगता है कि हम उनके स्टैंडर्ड के नहीं रहे। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। बहरहाल, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आस पड़ोस वालों को बुला लीजिएगा बस। पैसे मैंने आपको दे दिए थे, कम पड़ जाए तो और ले लीजिएगा। सारे इंतजाम हो गए हैं ना? सारी तैयारी हो गई है। तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी जोड़ा है, बिगाड़ा नहीं है। वैसे भी पाकिजा का पूरा जहेज धरा रखा है, वो रमशाही के काम आ जाएगा। लेकिन मेरे अल्लाह, आप तो सब जानते हैं ना कि ये सब कैसे हो गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ अब्बा से, अम्मी से, लेकिन शायद अब मेरे अब्बा अम्मी मुझे देखना ही ना चाहेंगे। अच्छा, तुम कल जरा जल्दी आ जाना, वो लोग आ रहे हैं। ये पाकिजा ने लगाई थी। नहीं, रमशा ने लगाई। रमशा, खाना दो। मुझ पे अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे।
मुझ पे करम कर मेरे मालिक। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं।